गाय पालो आप, दूध दे रखो, दूध ना दे फेंक दो, मोदी जिम्मेदार। अब अकेले भी जाना आना हो सकता है रास्ता। आप पढ़े लिखे हो, जाके कॉलेज में नेतागिरी करोगे तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी। महंगाई होती तो लाख लाख की गाड़ियाँ बिकती, दस दस लाख, पचास पचास लाख की गाड़ियाँ, छह छह महीने की बुकिंग पे। वो चूतिया बैठा एक पप्पू। आपकी उम्र इतनी है कि आपने कई सारी सरकारें देखी होगी इसके पहले। हमें लगता है 3-4-5 सरकार तो आपने अच्छी। सबसे बढ़िया सरकार राष्ट्र के लिए कौन सी रही है? बीजेपी गवर्नमेंट। बीजेपी गवर्नमेंट, विपक्ष तो ये बोल रहा है बीजेपी गवर्नमेंट ने देश को बेच दिया। बीजेपी गवर्नमेंट ने जितना विकास किया आज तक किसी गवर्नमेंट ने नहीं किया। जितने कम समय में जितना जितना ज्यादा से ज्यादा विकास किया वो चारों तरफ दिखाई देता है। अच्छा अच्छा, तो 2024 में क्या वापस बीजेपी आ पाएगी? एकदम बीजेपी आएगी, ढक्के के चोट पर आएगी। अच्छा जी, ऐसे कौन से इतने अच्छे काम करते हैं जो आप लोग सब लोग? आप रोड चारों तरफ रोड देख लीजिए, ब्रिज देख लीजिए और तमाम लोगों को गैस सिलेंडर दिया उसने, आवास दिया, शौचालय दिया, क्या क्या नहीं दिया। अच्छा, किसानों को पेंशन दे रही है, महंगाई के लिए बेरोजगारी हो रही है, सब बोल लोगों की अर्निंग बढ़ी है, कमाई बढ़ी है तो महंगाई भी बढ़ी है। अच्छा, लोगों की कमाई भी तो बढ़ी है, महंगाई क्यों बढ़ी है? अगर महंगाई बढ़ी होती तो हर साल लाख लाख रुपए की गाड़ियाँ कैसे बिकती? महंगाई कहाँ है? महंगाई नहीं, ये केवल ब्लेम ही लोग लगा रहे हैं ऐसा। महंगाई होती तो लाख लाख की गाड़ियाँ बिकती, दस दस लाख, पचास पचास लाख की गाड़ियाँ छः छः महीने की बुकिंग पे है। तो महंगाई देश में नहीं, महंगाई नहीं है, महंगाई गरीबी कहाँ है यहाँ? अच्छा जी, हर आदमी मोटरसाइकिल चल रहा है, 100 रुपए के लीटर की पेट्रोल भरा है, वो गरीब कहाँ है? गरीब नहीं है वो तो। नहीं, ये बोल रहे पेट्रोल महंगा हो गया, मजबूरी लोग। महंगा नहीं, लोगों के पास पैसा है पेट्रोल भराने के लिए। अच्छा जी, हाँ, पढ़े लिखे लोग सड़कों पे टहल रहे हैं ऐसा विपक्ष बोल रहा है, हम नहीं बोल रहे हैं। देखिए, जो काबिल है उसको नौकरियां मिल रही है। आप पढ़े लिखे हो, जाके कॉलेज में नेतागिरी करोगे तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी। सही बात है। अगर आपने आपने पढ़ाई की है, आप कंपटीशन से आओगे। देश में प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में तमाम नौकरियाँ हैं। हमारे घर की खुद ही हमारी भतीजी ओप्पो मोबाइल में है, लाख रुपए सैलरी पाती है। एक चीज़ और है, मतलब ये लोग बोल रहे हैं विपक्ष की, प्राइवेट लोग जब सब कुछ प्राइवेट ही कर दे रहे तो सरकार का मतलब क्या बचा? प्राइवेट में काम करना पड़ेगा। अच्छा जी, प्राइवेट में काम करना पड़ेगा तब सैलरी मिलेगी। हाँ। गवर्नमेंट जॉब इसलिए लोग मांगते हैं कि आराम से जाएंगे, कुर्सी तोड़ेंगे, लाख रुपए महीने लेके चले आएंगे। प्राइवेट कंपनियां काम कराएंगी आपसे। तो ये प्राइवेटाइजेशन जो हो रहा है ये सही? बहुत अच्छा हो रहा है। आज 10 मोबाइल कंपनियां आ रही हैं तो आप 300 रुपए में महीने भर बात करते हो। हाँ। पहले 1-2 कंपनियां थी, BSNL थी, तो 2-3 रुपए मिनट की कॉल का दर था। तो आज ये प्राइवेट कंपनियों की वजह से ही आप 300-200 में आप पूरे महीने भर बात करते हो, SMS करते हो, सब कुछ करते हो। जी, प्राइवेटाइजेशन देश के लिए सही है, बहुत बढ़िया है। 2024 में फिर दोबारा मोदी जी को लाएं? एकदम जरूर लाएं। एक चीज और है, मोदी जी का मैं 2 साल बचा, इसके बाद उम्र पूरी हो जाएगी, लेकिन उसके बाद आप प्रधानमंत्री रूप में किसे देखना चाहेंगे? योगी को देखना चाहेंगे। इतना क्रेज योगी जी का है? योगी जैसा मुख्यमंत्री पूरे देश में कोई नहीं है। अच्छा जी, तो ये प्रधानमंत्री बनने चाहिए? एकदम बनने चाहिए। ये महिलाओं के लिए जो विपक्ष हमेशा लगा रहा है कि जो बीजेपी सरकार है महिलाओं के लिए कुछ नहीं करती, लेकिन बीजेपी बोलती है हमने महिलाओं के लिए सबसे बढ़िया किया है, तो क्या सही हुआ है? हाँ, सही हुआ है, बहुत कुछ। पहले बहुत सारी छेड़छाड़ी, सुरक्षा का अच्छा हुई है। हाँ, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होती? रात में भी डरने लगता है? नहीं, कोई डर नहीं। हाँ, नहीं, महिलाओं के लिए बहुत एकदम बहुत अच्छा, महिलाओं के लिए बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हुआ। अब अकेले भी जाना आना हो सकता है रास्ते में। अच्छा, अब कोई प्रॉब्लम? कोई पहले परेशानी होती? बहुत परेशानी होती। अशोक यादव जी, 2024 में क्या बीजेपी सरकार वापस आ पाएगी? मुझे नहीं लगता कि अब की आएगी। तो क्या बीजेपी सरकार ने अच्छे कार्य नहीं किए? नहीं, किसानों के साथ बहुत अत्याचार किया है। किसान निधि मिल रही है तो अत्याचार क्या हो गया? 2000 रुपये देने के बाद में क्या हो रहा है उससे? नहीं तो मिल रहा है, इस पहले नहीं मिलता था ये सारी। हाँ, तो 2000 रुपये दे रहे हैं। गलत क्या किया? हमारे गलत तो ये है कि MSP कानून लागू करें। 800 रुपये इन्होंने सिलेंडर पे बढ़ा दिए, 400 रुपये, और जो 200 रुपये घटा दिए तो उसको दिखा दिया। 500 करोड़ रुपये कोई मेरे दिमाग से उतर रहा है, कोई नेता है वो लेके चले गए, उनको उन्होंने नहीं बताया कि वो कौन ले गए। अच्छा जी, इन्होंने सारा देश, तेल, रेल सारा कुछ गिरवी रख दिया। ऐसा तो था नहीं पहले। अच्छा, जो अब हो रहा है। नहीं तो ये प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, लोग बोल रहे हैं प्राइवेट रहेगा तो लोग अच्छा काम करेंगे, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, तो क्या सही है कि गलत है प्राइवेटाइजेशन? अगर सब कुछ बेच दिया, हमारे हिसाब से गलत है। सरकार किसके ऊपर चलेगी? अच्छा, सारा कुछ प्राइवेट हो जाएगा तो ये तो अपने अपनी मनमानी करेंगे। आज
जब इसका एक ही मालिक रहेगा, इसका कोई कुछ नहीं होगा, तब तो मनमानी करेगा। 2024 में परिवर्तन लाएंगे आप जी? परिवर्तन में फिर विपक्ष में किसे प्रधानमंत्री रूप में देखना? अब तो मैंने ये देखा है कि इंडिया में जो भी अच्छा हो, राहुल गांधी जी आएंगे कि नीतीश बाबू आएंगे कि खड़गे, नसीब तेज होगा वही आएगा। अच्छा, आए हैं मोदी जी। अच्छा, क्या जी? आए हैं मोदी जी, आएंगे मोदी जी। ऐसा क्यों? मोदी जी क्यों? मोदी जी एक शक्ति है। क्या शक्ति है? क्या उन्होंने अच्छा काम कर दिया? क्या अच्छा नहीं किया? नहीं, इतनी महंगाई, भाई साहब इतने परेशान हैं, किसानों के लिए भाई साहब इतने परेशान हैं, जो भाई साहब गाय खोल के ले गए हैं। हाँ। ऐसा नहीं है मोदी जी। हाँ। इनसे पूछिए, मोदी नहीं तो कौन? गाय खोल के नहीं ले गए, गायों को खेतों में छोड़ दिया है। तो आप कहाँ छोड़ते? आपने छोड़ दिया, उनकी गाय है। पहले गाय तो आप पहले कहाँ? पहले खा देते थे, अब खा नहीं पा रहे हैं तो छोड़ देते हैं। पहले खा लेते थे गाय, अब गाय जाती नहीं अंदर। इंतजाम सबसे सरकारी करेगा। गाय पालो आप, दूध दे रखो, दूध ना दे फेंक दो, मोदी जिम्मेदार। ये बताओ, हर चीज मोदी जी जिम्मेदार। गाय तुम्हारी है, पाला तुमने, दूध दे रही थी, पाल अच्छा लग रहा है जी। तो नहीं तो फेंक दिया। अच्छा, आप ये बताओ कि क्या अच्छा काम कर दिया? जितने अच्छे काम, कुछ अच्छा काम क्या नहीं किया? हाँ। क्या नहीं किया? अच्छा, महंगाई इतनी, मोदी नहीं है तो कोई झेल नहीं पाएगा। अच्छा, हाँ, क्या जो हिंदू जो जाग रहा है यहाँ से वहाँ तक, मेरा लगा है ये सब बाबा का आशीर्वाद है, मोदी जी का ये आशीर्वाद है, मोदी जी का आशीर्वाद। ये मोदी जी चले जाएंगे तो जैसे भाई साहब जो बता रहे, राहुल गांधी आएंगे, जहाँ राहुल गांधी है वहाँ देख लीजिए क्या हालत है। क्या कांग्रेस कुछ नहीं है? छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को कोई परेशानी? राजस्थान में कांग्रेस कोई परेशानी? राजस्थान में क्या दिक्कत है? आप देखिए चल के। हाँ। अभी जुलूस निकला था। हाँ। मार दिया, कितने लोगों को मार दिया। यहाँ योगी जी बाबा जी हैं, एक एक पत्थर उठा के दिखाया कोई। अच्छा। हिम्मत है। और जब मैं कह रहा हूँ भाई साहब हमारे बहुत बड़े हैं, पिताजी के समान हैं। हाँ। मोदी ही आए हैं, मोदी ही आएंगे। हाँ। आप मोदी नहीं झेल पाएंगे, आप योगी कैसे झेलेंगे? मोदी जी टेलर हैं। अच्छा, योगी जी पिक्चर दिखाएंगे। अब वही रोना है, आप कुछ भी हो जाए आप रोइए। एक चीज और है, क्या इसके बाद क्या मोदी जी आएंगे? क्या मोदी जी फिर आए? जब तक मोदी जी जाएंगे चुनाव, हाँ। तब तक मोदी जी ही जीतेंगे। अच्छा जी। मोदी जी को हराने वाला कोई पैदा नहीं हो, माइकल लाल। चाहे 36 आएंगे, 36 हारेंगे। इंडिया आप देख लीजिए, मैं फोटो ले लीजिए, मेरा नंबर ले लीजिए। हाँ। 36 आए, 36 हारेंगे। हाँ। मोदी ही आए तो मोदी ही आएंगे। अच्छा, और मोदी नहीं झेल पा रहे हैं तो योगी नहीं झेल पाएंगे। मोदी 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 ये ऐसा मोदी 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 ये क्या जलवा है बाबू? जलवा मोदी जलवा मोदी जलवा मोदी जलवा अरे देश को बर्बाद कर दे मोदी बोले मोदी जलवा आप लोग मोदी जलवा मोदी जिंदाबाद। महंगाई कहाँ है? अच्छा नहीं, अगर महंगाई है तो इतनी सैलरी भी तो मिल रही है ना लोगों को। अच्छा जी, पहले 4,000-5,000 भी मिलती थी, आज उसी कंपनी में जाते हैं तो 12,000-13,000 रुपए का काम करके देती है वो कंपनी महीने भर का। अच्छा अच्छा, तो महंगाई कहाँ रही? महंगाई नहीं है, ये तो चूतियापंथी के ड्रामे चल रहे हैं। क्या है ये कि ये कांग्रेस है, वो चूतिया बैठा है एक। हाँ। पप्पू। अच्छा, थोड़ी देर के पढ़े लिखे हैं, विदेश में पढ़ाई की है राहुल गांधी जी ने? मेरा कद्दू पढ़ाई की है। वो पढ़ाई की है, वो पता है पढ़ाई की है उसने। अच्छा, विदेश में पढ़ाई की, लेकिन वो पढ़ाई उसी तरीके की पढ़ाई की है उसने। अच्छा अच्छा, तो वही तरीका यहाँ आज मारा वो। तो यहाँ उनकी नहीं चलेगी? बिल्कुल नहीं चलेगी। तो 2024 में आप लोग दोबारा कांग्रेस मतलब बीजेपी को लेकर आएंगे? बिल्कुल। अच्छा जी, युवाओं के लिए रोजगार नहीं मिल रहा है ऐसा लोग बोल रहे हैं। युवाओं के लिए रोजगार कैसे नहीं है? रोजगार हर एक नौकरी निकल रही है, सरकारी नौकरी। अब आप ये मान लो कि मेरी उम्र है 22 साल, मैं भी अभी तो युवा ही हूँ। हाँ। मैं जयपुर से आया हूँ। हाँ। तो कम से कम मेरा खर्चा हुआ 5,000। हाँ। हुआ है ना, तो अगर मेरे पास 5,000 रुपये नहीं होते तो मैं कैसे आता है? सही। मिल तो रहा है ना मुझे रोजगार? मिल रहा है, बात तो सही है ना ये। तो फिर कमाने वाला होना चाहिए तो रोजगार की कमी नहीं है, मेहनत करो ना। अच्छा जी, ये तो है नहीं कि मोदी जी पेड़ लगा देगा और जाके उसपे से निकाल के लेके आ जाओ, मेहनत तो करनी पड़ेगी। मेहनत करनी पड़ेगी। सुरक्षा गुंडागर्दी अगर कम पड़ेगी ज्यादा हुई? देखो, सुरक्षा गुंडागर्दी के मामले में राजस्थान अभी पिछड़ा हुआ है। राजस्थान में तो स्टेट गवर्नमेंट है गहलोत जी, वो तो वो भी तोतला है। अच्छा, कोई काम का नहीं है वो भी, कोई काम का नहीं है। राजस्थान में जब भी कोई पेपर आता है उससे पहले लीक हो जाता है, वो होने से पहले लीक हो जाता है, होने से पहले लीक हो जाता है। और आपके राजस्थान में बालकनाथ योगी जी आ रहे हैं, क्या वो विपक्ष मतलब बीजेपी में अपनी छवि बना पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो इस बार क्या? इस बार बीजेपी है राजस्थान में। राजस्थान में बीजेपी है, सेंट्रल में 2024 में कौन सरकार बनेगी? वही बीजेपी है, बीजेपी बनेगी। इसके अलावा किसी का कुछ? किसी का नहीं है, तो जी राम राज्य चलेगा। अच्छा, राम राज्य में क्या ऐसा होता है जो राम राज्य के लिए दीवाने? ये तो देश ही सनातनियों का है। अच्छा, देश सनातनियों का है। अभी और चल रहा है भारत और इंडिया, तो देश का नाम भारत होना चाहिए कि इंडिया होना चाहिए? देखो, संस्कृति के हिसाब से तो भारतीय होना चाहिए, भारत होना चाहिए। ये तो मिला हुआ नाम है। अच्छा, दान दिया हुआ नाम है, दिया हुआ। पहले से नाम तो अपना भारतीय हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान तो भारत होना चाहिए। तो भारत अगर नाम होगा तो रिपब्लिक ऑफ इंडिया हमारे पासपोर्ट रहता, वो चेंज हो जाएगा, नोट आएगी इस मामले में। अच्छा, बाकी जो
मोदी के चाहने वाले हैं वो इस बात से सहमत रहे, सहमत नहीं है बिल्कुल ही नहीं। अच्छा जी, वो तो जो मोदी चाहेगा मोदी करेगा वो ठीक है उनके लिए, तो सही है, बिल्कुल सही है। तो आप लोग भी सही रहेगा।